अपने पैरों से दुख में उनका साथ दीजिए। आज मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा कैंसर से पीड़ित थे और वो आज हमारे बीच नहीं है, और आज मेरी माँ भी लास्ट स्टेज में। मैं भगवान से यही कहूंगी, हे भगवान मेरी माँ को जिंदगी दो ताकि कोई प्यार करने वाला ना। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब अपनी मम्मी और पापा के तपस्या के, उन्होंने आज अगर मेरे पे मेहनत नहीं की होती तो शायद आज मैं एक टीचर बन के बेटा आपके सामने खड़ी नहीं होती। या आज व्यक्ति जो कुछ भी बने हैं तो अपने पेरेंट्स की तपस्या की वजह से बने हैं। तो मैं सब बच्चों को यही कहूंगी, अपने पेरेंट्स के रेस्पेक्ट कीजिए बेटा, जितना हो सके उनकी सेवा करिए, धोखा मत दीजिए, उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिए। और उन सभी पेरेंट्स को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ जिनके तपस्या के बदौलत आज हमारा भारत देश महान है। मम्मी पापा हमेशा सबके अच्छे रहे, खुश रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं हर 14 फरवरी को अपने माता पिता का पूजन मनाऊंगी। और आज मुझे अपनी माँ की भी याद आई है, मैं हमेशा उन्हें प्रणाम करूंगी और हमेशा उन्हें फोन करके उनका धन्यवाद करूंगी। संकल्प लेती हूँ कि माता पिता के रोज पैर छूंगी और 14 फरवरी को माता पिता पूजन दिवस मनाऊंगी। मुझे अपने गुरु मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं डेली अपने माता पिता को प्रणाम करूंगी और 14 फरवरी को माता पिता पूजन दिवस मनाऊंगी। सबसे वादा करती हूँ कि मैं अपने घर पे 14 फरवरी को माँ सीत का पूजन बनाऊंगी। मुझे ये पूजन करके बहुत अच्छा लगा और हम हर साल ये पूजा करेंगे और हम अपने से ज्यादा लोगों को ये सब बताएंगे। 14 फरवरी को हर साल ये पूजन जरूर करूंगी और मैक्सिमम 25 से या 30 लोगों को जरूर बताऊंगी कि 14 फरवरी को प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे मासा। गुरु गोविंद दो पड़े का केला मुंह पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। कबीरा गुरु के रूठ ते हर की सरने जाए, कहे कबीर गुरु रूठ ते हर नहीं होत सहाय। तो गुरु और माता पिता इनका जो स्थान है सबसे बढ़कर है, भगवान ने भी अपने से बड़ा स्थान दिया है। हमें अपनी संस्कृति को याद रखते हुए माता पिता का पूजन दिवस अपने घर में मनाना है। मेरे माँ बाप मेरे पास नहीं है, मेरे माँ बाप गाँव में रहते हैं। मुझे इस बात के लिए दुख हुआ, मुझे बहुत रोना आया, काश मेरे माँ बाप भी मेरे पास होते। मैं अपने मम्मी पापा से आज जाकर के सॉरी बोलूंगी, बचपन से जितनी भी हमने गलतियां की हैं उन सब की क्षमा मांगूंगी। आज के इस प्रोग्राम से पता चला कि पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस होती तो बहुत है लेकिन हम कभी फील नहीं कर पाते, तो ऐसे प्रोग्राम हमेशा होने चाहिए। और वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को ना मना के हम मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे। 14 फरवरी को हम लोग वैलेंटाइन डे ना मनाकर हम मनाएंगे मातृ पितृ दिवस। वैलेंटाइन डे छोड़कर मातृ पितृ दिवस मनाना है। वो हम सब बच्चों के भविष्य के लिए तो कमा रहे हैं, अन्यथा माता पिता तो सिर्फ ऐसे ही अपना जीवन काट सकते हैं, लेकिन उनके ऋण को उतारने के लिए हमें हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो 14 फरवरी को हमारे स्कूल के सभी बच्चे, हमारे पूरे स्टाफ सभी के सभी माता पिता दिवस मनाएंगे। माता पिता दिवस मना के बहुत अच्छा लगा। हमें कभी भी अपने माता पिता को बुरा भला नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा भला ही सोचते। माता पिता और गुरुजनों का आदर और सम्मान रखना चाहिए। अगर इनका हम सम्मान नहीं करेंगे तो हम जीवन में कभी अग्रसर नहीं होंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत प्राउड होता है जब उनका किसी माँ बाप का बच्चा आगे निकल जाता है, उन्हें बहुत प्राउड फील होता है। किसी गुरु का शिष्य आगे निकल जाता है उसके लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट होता है। आज जब मैं वहाँ पे बैठी थी तो मेरे को ये सुन सुन के जब मेरे को याद आ रहा था कि मैं अपने माँ बाप को क्या क्या बोलती हूँ तो मेरे को बहुत बुरा लगा, मेरे आंसू आ गए। इसलिए मैं चाहती हूँ आज से मैं संकल्प करती हूँ कि मैं अपने माता पिता को कभी बुरा नहीं कहूंगी। और हमें स्कूल की तरफ से पहले तो हरिओम जी को धन्यवाद कहेंगे
हरिओम जी आए और उन्होंने अपने अपने माता पिता को हमें याद दिलाई और इतने अच्छे से याद दिलाई कि हमारे सभी बच्चे और सभी अध्यापकगण यहाँ पर रोने लगे। सभी को अपने माता पिता की तुरंत याद आ गई, क्योंकि माता पिता का हम पर इतना कर्ज है जो कि कभी भी कुछ भी करके चुकाया नहीं जा सकता। चलो फरी वो पूजा करेंगे माता पिता की। पूजन दिवस हम सभी सभी को 14 फरवरी को मातृपिता पूजन दिवस मनाना चाहिए। वो किसी चीज़ के लिए हमें मना भी करते हैं, वो भी हमारे बेनिफिट के लिए ही होता है। कभी हमें उनकी बात को बुरा नहीं मानना चाहिए। माता पिता की याद आई थी। सेवा करोगे माता पिता की, उन्हें वृद्धाश्रम तो नहीं छोड़ेंगे। मेरी माँ बहुत अच्छी है, मैं अपनी माँ को रोज पैर माँ की याद आई, रोज उनके पैर छूना चाहिए। सभी बच्चों से मेरी गुजारिश है कि आप सभी अपने माँ बाप की बात माने। इसलिए मैं अपने माता पिता की कदर पकड़ चली, वो हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। हमारे पेरेंट्स जो हमारे लिए क्या कुछ करते हैं और वो हम लोग सब भूल जाते हैं। माता पिता के बिना हम कुछ नहीं है, आज हमें ये पता चला। और जो भी हम करते गलत गलत बोलते हैं माँ को, उसके लिए हमें बहुत अपराध है, हम उनसे माफी मांगेंगे। उनके बिना हम कुछ भी नहीं है और आज मैं उनसे जाके घर के सॉरी बोल रही हूँ। गुरुजनों और अध्यापक माता पिता का आदर करना चाहिए। उनसे पूछ कर देखो जिनके माता पिता नहीं होते, आप घर में बैठे माँ बाप की सेवा कर लोगे, पूजा कर लोगे तो आपको हर चीज का फल वहीं घर बैठे मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। बड़ों को अपने माता पिता का व्याकरण करने से क्या चीजें मुफ्त में मिलती हैं? आयु विद्या यश और बल। मातृ पितृ पूजन की राह दिखाने वाले पितृ पूजन की राह दिखाने वाले, भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले। मातृ पितृ पूजन की राह दिखाने वाले, भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले। कलयुग में सतयुग को मोड़ के लाने वाले, सतयुग को मोड़ के लाने वाले। मातृ पितृ पूजन की राह दिखाने वाले, भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले।
माता की, माता पिता गुरुजनों की, आनंद माधुरी उमंग प्रभु, हम दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता की।